हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक टॉक इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो रोलिंग शटर होते हैं जो हम लोग दुकान के सामने लगाते हैं या शॉपिंग मॉल के सामने लगाते हैं रोलिंग शटर, तो उस रोलिंग शटर में लगने वाले स्प्रिंग किस तरह से बनते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि एक कॉइल बंडल लगे होते हैं जिसमें स्प्रिंग की तार होती है उस तरह से, और इस मशीन में पीछे से वो तार आती है और यहाँ पर स्प्रिंग बनते हैं। ठीक इसी तरह से इधर से भी आती है और इधर, क्योंकि एक लेफ़्ट साइड की और एक राइट साइड की बनती है। तो मैं इसे अभी स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसे रोक के रखा था। पीछे से तार आ रही है धीरे 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 धीरे। और कुछ इस तरह से स्प्रिंग बनती है। हाँ, यहाँ पर स्प्रिंग सारे बनकर तैयार है। असल में ये मशीन से जो है सिर्फ जो है राउंड होकर निकलती है। आखिर के इनके जो लास्ट के किनारे होते हैं ना, जहाँ पर नट बोल्ट फिट किए जाते हैं, जो शटर बनाते हैं वो लोग, ये इस तरह के किनारे, ये वाले जहाँ पे नट बोल्ट फिट होते हैं, तो ये वाले जो असर कोंडे इन्हें कहते हैं वो इस मशीन पर बनते हैं। आप देख सकते हो इस करीब से, इसको पैरों के ज़रिए चलाया जाता है। तो इस तरह से ये शटर के स्प्रिंग तैयार होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।